year back, and I have a YouTube channel named Hey Shu. Hey Ishu. Yeah, you can look up there. So, मेरा भी जर्नी कुछ आप लोग की तरह ही था, मतलब एक्चुअली मैं मेरा जो अब क्लियर है बस। तो मेरा भी जर्नी कुछ आप लोग की तरह था कि क्लास सिक्स से लेकर मतलब 19 जब था मेरा, मतलब उसके बाद कोविड पीरियड आया था, उसके पहले मैं गांधी मनाता था सात सौ पंचालीस पढ़ने में था टॉपर टाइप का, मतलब फर्स्ट ग्रेड बाहर तो फर्स्ट बेंच पर आगे चुपचाप बैठ जाता था जो टीचर बोले होमवर्क जैसे कर, लेकिन कुछ स्कूल में को स्कॉलरशिप जो एक्टिविटीज होती थी को करिकुलम में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। हाँ स्कूल के हेड बॉय तो था लेकिन मतलब बाकी सेंट्रेटर नहीं था तो वैसा था, लेकिन जब कोविड का पीरियड आया और मेरा कंप्यूटर साइंस कुछ ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो जब कोविड पीरियड आया उस टाइम जो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, एक बार मैंने सर कॉल किया, सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, एक काम करिए सर एक मौका दीजिए सर, थोड़ा सा रिविजन जूम मीटिंग हम खुद करा देते हैं। तो मैंने एक दिन मैं जूम मीटिंग में खुद का क्लास लिया कंप्यूटर साइंस का, अनुभव डे ऐसा था कि मतलब अगले दिन टेस्ट था, सभी बच्चों का जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, मतलब दो दिन थोड़ा सबका फुल मार्क्स आया था कंप्यूटर साइंस में। तो उसके बाद से लेकर मैंने पूरे से साल भर कंप्यूटर साइंस का पूरी स्कूल की क्लासेस मैंने खुद ली थी यूट्यूब रिकॉर्ड करके, जब लास्ट में तीन महीने स्कूल खुली भी थी उस टाइम भी मैंने पूरा क्लास नाइन और क्लास टेन की पूरी ऑफलाइन क्लासेस कंप्यूटर साइंस की ली थी और मेरे कंप्यूटर साइंस में 100 out of 100 थे। तो मेरी एक जर्नी जो थी एक शांत स्वभाव वाले बच्चे से लेकर एक जो एक्स्ट्रोवर्ट नेचर था वहां तक चेंज हो गई, काफी मैं एकदम बहुत ही नहीं बोलने वाला, क्योंकि मेरे कोई मतलब नाम से सब लोग जानते थे, लेकिन देखो ना कोई गुल्ली करके चले जाता था यहाँ सभी बच्चों, मतलब आई थिंक मोस्टली मतलब शिकार उसके हुए होंगे, मतलब कोई भी आता था कुछ बोलने चले जाता था, हम कुछ उसका जवाब नहीं दे पाते थे। तो मेरे एक बार मम्मी पापा से मैंने बात शेयर किया, मम्मी पापा बोले कि बेटा जो भी कर रहा लेकिन उसका काम से जवाब दे, ऐसे बोल के जवाब देने कोई एक दिन कोई सुनेगा किसको किसको जवाब देते रहो जाओगे। तो क्लास टेन के बाद मेरी जर्नी चेंज हुई, उसके बाद क्लास इलेवन ट्वेल्व मैंने पटना शिफ्ट किया, भी घर पे नेटवर्क काफी सही नहीं थी और उसके लिए ऑनलाइन स्टडीज मैंने पटना शिफ्ट किया, पटना मैंने कोचिंग प्लेटफॉर्म भी इनरोल किया जो बाकी सब आप लोग शायद पढ़ते ही होंगे ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में था वहां पे, एंड मेरा वहां मैंने इस दौरान ओलंपियाड में अच्छे खासे दिए थे जिसमें मेरा रीजनल रैंक 7 मतलब 14 ऐसे आया हुआ था, क्योंकि मेरे ओलंपियाड के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि जितना पता था मेरे ओलंपियाड के बारे में उतने एग्जाम्स मैंने दिए हुए थे, और मैंने रिसेंट में स्टेट लेवल ओलंपियाड है जिसमें स्टेट रैंक आया हुआ था जो डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया, तो ऑफिशियल ओलंपियाड था वहां पे जो नेशनल मैथमेटिक्स डे के ऑर्गेनाइज कराया जाता हर साल, तो वहां पे भी गया, मैंने स्कॉलरशिप एग्जाम दिया था, गेस्ट वर्क मेरा वहां पे आई वॉज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट जिसको 100% स्कॉलरशिप मिला हुआ था, स्कॉलरशिप पढ़ने को नहीं मिला मेरी वहां पे और भी जो ओलंपियाड दिए थे। तो वही बोलते थे सिर्फ अकेडमिक्स आप आके नहीं जा सकते हो, आपको अगर अलग पहचान बनानी है ना तो आपको हर एक फील्ड में पूरी तो नॉलेज नहीं लेंगे, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना जरूरी है तभी आप सब चीज एक्सप्लोर कर पाओगे। और फिर वहां से मेरे स्कॉलरशिप मिली थी, वहां से जर्नी करनी हुई, फिर क्या हुआ था तो बताया कि मेरा स्टेट ट्राई गया था ओलंपियाड में, तो उसके वजह से मेरे को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कॉल आता है कि जो आपको मतलब कोई 100-150 बच्चों तक उसमें सिलेक्ट किया जाता है कि आपको आईआईटी पटना में आपको ओरिएंटेशन के लिए जाना है, 15 डेज का रेसिडेंशियल मेरा प्रोग्राम था आईआईटी पटना में। तो मैं वो बच्चा था जो आईआईटी को ड्रीम डाउन करता था, आईआईटी की ड्रीम मेरा वो ड्रीम इसलिए नहीं था कि मेरे को आईआईटी में जाकर अच्छा इंजीनियर बनना था, आईआईटी की ड्रीम मेरा इसलिए था तो वो मेरा इसलिए ऐसा प्लेस है कि जहां पे मैं हर फील्ड में एक्सप्लोर कर सकता हूं, वो एक ऐसा प्लेस है जहां पे हर लाइफ के वर्टिकल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं आईआईटी पटना गया वहां पे भी सोचे गया क्या फायदा, 100 बच्चे तो 100 बच्चे मेरी अलग पहचान बन कैसे सकती है,
तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को अपने स्टोर में भूल चुका था, उसको बोलते हैं ठीक है, तो वहां पे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। ब्लॉगिंग ऐसा नहीं, मतलब जो आईटी का शो कर रहा था, तो फिर वहां हुआ था क्या, वहां आईटी में हम लोग पढ़ाने के लिए इंक्लूडिंग एससी वर्मा स्वच्छ मैंने ओरिएंटेशन किया हुआ है। किसी सिन्हा सर को सब लोग जानते हुए, जो बिहार में जाने वाले मैथमेटिशियन है, पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो उनके साथ मैंने केसी सिन्हा सर के साथ मैंने अच्छा ट्रेनिंग किया। देश के हर एक टॉप जो आईटी के टीचर है उनके साथ मैंने किया होगा, तो वहां पे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। धीरे धीरे मतलब आईटी पटना के डायरेक्टर तक कैसे भी बात पहुंच गई कि एक लड़का आया है जो मतलब आईटी पटना को दिखा रहा है। उसके पहले आईटी पटना में शायद ही कोई वीडियो अवेलेबल थी, तो फिर वहां पे भी दिक्कत पहुंच गई थी कि कोई आईटी के प्रोफेसर थे, मतलब मुंबई आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे, उनको होने लगी थी कर, क्योंकि मतलब हर टीचर के एसोसिएशन होता है, उनका भी प्राइवेट कोई ओलंपियाड था, तो वो नहीं चाहते थे कि मतलब मेरा अभी ओलंपियाड का कोई है नहीं और ये बंदा ये बिहार गवर्नमेंट मतलब अच्छा कर रहा है, तो प्रॉब्लम हुई। बोले किसू तुम नहीं कर सकते, मेरे को मैसेज आता है एचओडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, किसू तुम नहीं कर सकते, वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। फिर मैंने वो केसी सिन्हा सर से बात किया, सर ऐसा ऐसा, तो फिर उन्होंने मेरी बात पहुंचाई आगे डायरेक्टर के पास। गेस व्हाट, पता है जो मेरा वीडियो अवेलेबल होगा, 14 डेज था मेरा जो लास्ट सेकेंड डेज था आईटी ओरिएंटेशन का, उसमें डायरेक्टर ऑफिस से कॉल आता है कि सो आपको डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग करना है, आप 5-6 बच्चे को लेकर आओ। मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है कि जब हम वीडियो बनाने के डायरेक्टर वहां पे मेरे को रोक दिया है, लेकिन फिर भी था कि हम कुछ गलत होना कर रहे हैं, हम कुछ दिखाई हो रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है। तो वहां गए और मैंने डायरेक्टर साथ मीटिंग की, कम से कम मीटिंग 45 में राउंड टेबल मीटिंग की, और मीटिंग इसलिए थी जो एजुकेशन का जो भी वर्टिकल लाइफ में उसको हम लोग कैसे फोकस आउट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे जो न्यू जनरेशन जो जिसको हम जेंजी जनरेशन बोलते हैं उस पर कैसे हो सकता है, तो वो इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया। और वो मेरा वीडियो डीडी न्यूज पर मेरा इंटरव्यू आया हुआ था जिसमें पहला ही मेरा ट्रेनिंग था, सर शायद देखे होंगे, तो वहां से जर्नी का, लेकिन इतनी जर्नी आसान नहीं थी क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन आई थिंक मेरे पेरेंट्स होंगे, ये सबके लिए मोटिवेशन भी आपके पेरेंट्स होना चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स कुछ भी प्रोफेशन में हो, आपके पेरेंट्स मतलब फार्मर ही क्यों ना, लेकिन मोटिवेशन आपकी फैमिली से ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को क्लोजली अब्जॉर्व किया है, बाकी किसी को क्लोजली अब्जॉर्व नहीं किया, चाहे दोस्त हो दोस्त के साथ मुश्किल 7-8 से बिताए होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ आपने जिंदगी के 55 के सालों गुजारे होंगे, चाहे कोई भी पेरेंट्स हो यार, मतलब हम शर्म खाते कि मेरे पेरेंट्स फार्मर है, मेरे पेरेंट्स बिजनेस मैन, कुछ भी है, प्राउडली से करना चाहिए मेरे पेरेंट्स है, प्राउडली मेरे पेरेंट्स मेरे घर में हर कोई मेरे आई एम फ्रॉम टीचिंग मेरे घर में हर एक बंदा टीचर है, मेरे दादाजी से मेरी मम्मी पापा मेरे अंकल एवरी वन टीचर, मोटिवेशन था। और आई टी में मोटिवेशन था कि मेरे एक मामा मतलब 2006 के आई टी रैंक 7 था उनका, तो वहां से मोटिवेशन मेरा था। और भले आप मेरे को पता है लाइफ में आईटी करे या चाहे ना करे, लेकिन मेरे को लाइफ को हर एक वर्टिकल पता है जहां मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि एक पार्ट होता है बताना चाहूंगा, पढ़ने में की रूल होता है, आपको डेप्थ नॉलेज आप जिस फील्ड में उसमें बताए, लेकिन जो ये सारी वर्ड है ना इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए लाइफ हर एक फील्ड में, क्योंकि देखो यार फर्टर केमिस्ट्री में कार्बन को या ग्रेफाइट और डायमंड भी है ना, लेकिन जो रसियर करता है वो तो डायमंड है ना, तो ये तो पार्ट तो सारे लोग हैं ना, लेकिन पहचान के साथ 10-15 की नहीं बनती होगी ना, तो वो 10-15 बनने के लिए लाइफ का हर एक वर्टिकल टच करना चाहिए, क्योंकि तो पता है एनवी सर इसलिए नहीं है ना वो बड़े टीचर, एनवी सर इसलिए ना अंतरप्रोनोज वो प्रेजेंट अच्छे चीजों का करते हैं, सर भी आगे इसलिए कहते हैं ना कि वो चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बहुत सारे टीचरों की जो प्रोफेसर के पास बहुत सारे टेस्ट नॉलेज होगी वो आगे इसलिए नहीं जा पाते कि वो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, जो नई चीजें आ रही है उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो चीजों को प्रेजेंट करना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैटर करते आपसे विजय सर के बारे में बोलो भाई। और एक थॉट मैं बोलना चाहूंगा जो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, बेटा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यहाँ पे बच्चों का उल्टा होगा ना, पहले तो डिजायर करते बाद में देखेंगे तो डिजायर करते, एंड ये थिंग आई थिंक बोलना नहीं चाहिए, ये थिंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा होता है कि डिजायर बहुत ज्यादा, लेकिन ये नहीं हो
पहले अपना कर्म करो जो मिले वो अनपल नंबर पहले खुद ही देंगे फोकस ऑन कर्म मौका मिल गया परंतु जब वहां जाके देखा तो इसको क्या समझ में आया वो ही आपको समझाना चाहता है। तो ये समझ में आया कि आईआईटी एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप विजिट करने अगर जाते हो तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, बल्कि वो एक ऐसा प्लेस है जहां से आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। यानी कि आपका लास्ट डेस्टिनेशन आईआईटी नहीं है, आईआईटी तो वो प्लेस है जो आपको वहां ले जाएगा जहां जाना चाहते हो। ये कहने का मतलब इसलिए कोचिंग करने आया हूं, क्योंकि आईआईटी तो वैसे ही चला ही गया था, आईटी डायरेक्टर ने बुला लिया, आईटी मिल लिया, 15 दिन वो रह चुका 15 दिन के बाद एक्सप्लोर, लेकिन उसे वो नहीं मिला जिससे वो जिंदगी में जो चाहे वो मिल सके, जो प्राप्त कर सके। तो जब आप आईटी आ जाते हो, आईटी पढ़ लेते हो 4 साल बाद, तो आप ये चीज हो जाते हो, फिर आप लाइफ में जॉब करते हो उसको पाने के लिए। तो अब मैं आपको